हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे आप लोग? और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को एक चीज़ आज बताने वाला अपने स्टूडियो के माध्यम से कि DDRSO संगीत रिकॉर्डिंग की स्टूडियो में हमारे एक नए चेहरे आए हुए हैं और उन नाम के मोहताज नहीं हैं और बहुत दूर से चलकर मिलने के लिए आए। बहुत खुशी की बात है। आज मेरा सीना गदगद हो रहा है, इसलिए गदगद हो रहा है कि मेरे मित्र पुराने जो आए हुए हैं, मैं चलिए मैं आपसे परिचय भी कराऊंगा, मिलाऊंगा भी और उनसे दो चीज़ बात भी करूंगा, बातें भी करूंगा। ये तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे, वीडियो से भागिए कि नहीं। जो भी मेरा दीपू रेखा एंटरटेनमेंट को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दीपू रेखा एंटरटेनमेंट को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और चलिए बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको वीडियो पे दिखाता हूँ और परिचय कराता हूँ। अभी हमारे दो बने रहिए वीडियो पे, मैं पहले अपने भाई से परिचय कराता हूँ जो मुंबई से चल के आए हैं। तो भैया मेरे चैनल में तो आप गुजरात से हैं, रहते तो मुंबई में दूसरा हैं, नंबर बताओ तो यार। बताइए मेरे दर्शकों को आपका नाम, का क्या नाम है शिवम आपका? भाई सराड़िया, शिवम भाई सराड़िया, ये गुजराती भाई हैं, गुजराती माड़स से यानी मेरे स्टूडियो पे आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो मित्र हैं प्रकाश मौर्या जी, मैं चलिए उनसे परिचय कराता हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे, देखिए ये मैं आपको घुमाया कैमरा, ये हमारे बड़े भाई दीपक भैया और ये प्रकाश भाई। और ये हमारे रविंदर भाई हैं, जो इनका गाना भी आप लोग को मैं शेयर किया था, सुनाया था। कुछ गांव गए थे इसलिए इनका गाना नहीं आ रहा इनके चैनल से, थोड़ा सा गांव गए थे, अभी आए हैं हमारे स्टूडियो पे, तो फिर से गाना गाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं रविंदर भाई अपने चैनल के बारे में, गाना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा, कुछ तो समय लगेगा, अभी आएगा। हाँ, तो जैसे बोल रहे हैं हमारे रविंदर भाई, गाना आएगा जरूर, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी गाँव गए थे, तो अभी मतलब परसों ही आए गाँव से लगभग, शायद मैं भी जिस दिन आया उसी दिन इनका भी एंट्री हुआ है। तो अब ये हमारे पीछे प्रकाश भाई निहार रहे हैं। तो प्रकाश भाई हमारे स्टूडियो में आने के लिए सबसे पहले दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे स्टूडियो में आए DDRSO संगीत में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद, काफ़ी कम से कम 1 साल के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, जब हम बम्बई से आए हुए थे तो आए सूरत तो हम सोचे कि एक बार याद करते हैं, एक बार जाके मिल लेते हैं। और DDR स्टूडियो बहुत अच्छा है, तो आए हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा, स्टूडियो भी बहुत अच्छा लगा, स्टूडियो का लुक बहुत काफ़ी अच्छा है। तो प्लीज़ आप सब लोग जुड़ के काम कीजिए, ऐसे मज़ा कीजिए। तो जैसे आप लोग बताएं हमारे पर, थैंक यू प्रकाश भाई, इतना आप लोग बोलने के लिए इतना हिम्मत देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, तो जो भी हमारे दीपू रेखा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।